भाई आपका राहुल गांधी को जब नहीं आती बात तो क्यों उन्होंने ऐसी घोषणा करी 10 दिन में कर्जा माफ। मान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है पूरी मजबूती से लड़ेगा, वसुंधरा के और गुलाब जी के पैर पकड़े आके और मामला सेट करा के। वसुंधरा गहलोत का सोच लो, और दिल्ली से भी अभी गहलोत का गठबंधन ठीक चल रहा दिल्ली सरकार से, तभी तो दिल्ली वालों ने कहा कि गहलोत की सरकार नहीं गिराएंगे। कहा नहीं कही तो ये कह दो कि भाई हमसे गलती हो गई और हमारी जवान फिसल गई, राहुल जी जैसी झूठी घोषणाएं करते रहते, ये बात गहलोत को कर ले कि कोरोना के अंदर बीजेपी की सरकार भी फैलती है। सरकार से भी मांग करे कि वो भी कर्ज माफी के अंदर सहयोग करें, अकेला प्रदेश कुछ नहीं कर सकता, दिल्ली प्रदेश को मिलकर किसान गरीब जवान और महंगाई पे काबू पाना, अपराध भयमुक्त राजस्थान हो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे जिनको लेके बड़े आंदोलन हम कोविड के बाद हम करेंगे। न ऑक्सीजन भेजा, न वेंटिलेटर थे, न रेमडेसिविर था, हमें पता कि किस तरह लोगों ने दम तोड़ा था। तो दिल्ली वाले भी कोई अच्छे नहीं है, दिल्ली वाले भी बेईमान है और राजस्थान वाले और बेईमान है, तो बेईमान बेईमानों ने मिलकर गठबंधन कर लिया। अब इस गठबंधन को कौन तोड़ेगा? अब सारी जो लोकतंत्र के अंदर तो ऐसा है, जिसके पास कलम होती है उसकी ताकत उसी के पास होती है, तो कलम की ताकत यहाँ गहलोत के पास है, ऊपर मोदी जी के पास है, तो यहाँ के आपके मंत्री संतरी आप क्या सोच रहे हो? बीजेपी के कई दर्जनों नेता और मंत्री गहलोत के संपर्क में है, ये सारी बातें पता आपको। वसुंधरा गहलोत की सरकार बचाई, बीजेपी की नेता ठीक नहीं थी, तो ये तो सारी बातें रोज की बात होगी। अब तो बात हम ये कर रहे हैं इनको छोड़ के कि 2023 में राजस्थान को बचाने के लिए, पहले मध्य प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, कोविड आ गया, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाखों जवान हमारे बीच में चले गए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि आप हम सब चपेट के अंदर आए, और आज भी पूरा देश के अंदर तीसरी लहर में आप ही मत सोचो, पूरा देश ही करीब करीब कोविड की चपेट के अंदर आ गया, हर दूसरा तीसरा आदमी कोविड, कोई सरकारों ने नहीं बचाया हमें, कोई मोदी जी नहीं बचाया कोविड से, और कोई गहलोत ने चिंता नहीं की, अपने घर में छुप के बैठ गया गहलोत, मीटिंग में अपने घर पे ले रहा है, अब इनके जो भी देना देते थे डॉक्टर के भाई कोविड है किस तरह देखा देखा क्या किसी ने, तो ये तो अपना जो भी प्रेस ब्रीफिंग इनकी होती है वो छप जाती बातें बाहर। किसानों के लिए दिल्ली में जब हमें लगा कि दिल्ली की सरकार किसानों के खिलाफ, तो हमने छोड़ दी दिल्ली की सत्ता, और प्रदेश के अंदर भी मंत्री पदों को बार बार ठोकर मार के जवान और किसान को एक नई दिशा मिले, उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान को भी अपने दम पे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी 200 सीटों, कोई गठबंधन किसी से नहीं करेंगे हम राजस्थान में, हमें जरूरत नहीं गठबंधन की, हमारे साथ जवान है राजस्थान का, वो बदलाव चाहता है, और तमाम जातियों के नेता आप देखना जैसे ही कोरोना खत्म हो जाए और जोधपुर की रैली हो जाए, RLP ज्वाइन करने के लिए भीड़ लगेगी लोगों की,